हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूर करेंगे हम्पी का। तो स्वागत करते हैं आपका विजयनगरम साम्राज्य में। बुद्धिमान पंडित तेनाली रामा और राजा कृष्णदेव राय की कहानियां आपने बचपन में बहुत सुनी होगी। मध्यकालीन युग का विजयनगरम साम्राज्य, जिसकी राजधानी विजयनगर, जो आज हम्पी के नाम से जाना जाता है। 600 साल पुराने इस नगर को देखने के लिए देश और विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। ये नगर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ये नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर विरूपक्ष मंदिर है, जो भगवान शिव जी का है। यहाँ का विट्ठल टेम्पल, जो अद्भुत वास्तुकला का एक नमूना है। यहाँ पर अलग अलग पिलर है, जिससे अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़ आती रहती है। और यहाँ पर टोटल 81 ऐसे पिलर हैं जिसमें अलग अलग वाद्य यंत्र की आवाज़ आती रहती है। 50 रुपये के नोट के ऊपर जो आप रथ देखते हैं, वो भी यहीं पर मौजूद है, जिसे स्टोन रथ कहा जाता है, और ये आपके 50 रुपये के नोट पे दिख जाएगा। हमारा इतिहास बहुत ही अद्भुत है। 600 साल पुराने इस शहर में उस समय हीरे मोती के व्यापार होते थे। ये है विट्ठल मंदिर के पिलर। यहाँ के पिलर को जब थपेड़ते हैं तो अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़ आती है। हर पिलर से अलग अलग आवाज़ आती है। एक बार तो अंग्रेज़ों ने इनको खोद कर भी देखा, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। ये पुराने इंजीनियर की अद्भुत कला है।